जंगल बात हुई है पता चला है, अरे छद्दी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। वेलकम टू सना स्कूल किचन। आज देखेंगे डोरेमोन फल्लू 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 फल्लूडा। जी हाँ, फल्लूडा। इसे मैंने बहुत भी एक्साइटमेंट से, अपने मनपसंद से, बहुत भी मेगा 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 एक्स्ट्रा फलूदा बनाया है। आप इसे देखिए और ट्राई कीजिएगा। फलूदा अब शॉप्स में, मॉल्स में देखते होंगे, तो घर में फर्स्ट टाइम मैं भी ट्राई कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम नहीं, कुछ एग्जाइटमेंट, कुछ न्यूली, तो बड़ा मेगा सा बना रही हूँ। तो होप आप सबको भी पसंद आएगा जो चीज़ मैंने दिखा रही हूँ। अनार, एप्पल, ओरियो बिस्किट, नमाची, वेपर्स और फलूदा मिक्स। यह सेब यानी कि एप्पल, सिर्फ एक एप्पल, एक अनार। नट्स में मैंने अखरोट, बादाम और मुनक्खा लिया है। और ये है फ्रेश क्रीम, फुल क्रीम पैस्टराइज होमोजीनियस फुल क्रीम मिल्क, सिर्फ आधा लीटर लिया है। जी हाँ, आप भी दूध ले लेना और एप्पल का ऊपर का छिलका अच्छे से छील लेंगे। और आज मैं इंडक्शन स्टोव इस्तेमाल कर रही हूँ, तो आपके घर में चूल्हा हो तो भी यूज़ कर सकते हैं। इंडक्शन के लिए सिर्फ स्टील बर्तन ही खाता है, तो ट्राई करेंगे आज। हाफ लीटर मैंने दूध डाल दिया। पता नहीं आज मैं क्या बात कर रही हूँ, थोड़ा सर दुख रहा है। मैंने सीज़न क्लाइमेट तो दिन पर दिन बदलते जा रहा है। अब तो तमिलनाडु में 4 दिन के लिए बारिश बोला है, जाने क्या होगा। अब डालेंगे फलूदा मिक्स, यानी कि ये है बटर स्कॉच फ्लेवर, और इसमें सेवे भी रहते हैं यानी कि वर्मिसेंस और चिया सीड्स। चिया सीड्स आर वेरी गुड फॉर हेल्थ टू। डाइट में चिया सीड डेली लेना है, गर्म पानी के साथ या किसी सुबह उठते खाते से हमारा डाइट, हमारे हेल्थ, स्टमक के लिए बहुत अच्छा होता है चिया सीड्स। और चिया सीड्स बहुत ठंडिक भी होता है। अगर आपको कोल्ड बुखार है तो फलूदा ये सीज़न में मत खाना, देख लेना। समटाइम्स बारिश हो, ठंड हो या धूप हो, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं समटाइम्स, सब इसी बाहर जब खाते हैं। तो घर में ट्राई करके देखना, बहुत भी फ्रेश और बहुत भी लाजवाब, बेहतरीन, बहुत भी स्वादिष्ट होगा। और स्वीट्स बनाने में मुझे बहुत ही पसंद आता है, तो इसीलिए आज मैंने थोड़ा डिफरेंट से ट्राई करेंगे। देख के कहा तो बहुत भी मुझे यकीन नहीं हो रहा, बहुत अच्छा आया है। होप ऑल ऑफ यू लाइक इट। ऐसे स्टे करते ही रहना है। और बादाम को मैंने इसे छील लिया और छील लेंगे, और अखरोट को छोटी छोटी काट लेंगे। और 2 टॉफ़ी लिया है, क्रीमी टॉफ़ी, और ये है किसान मिक्स्ड फ्रूट जैम। फलूदा में जैम या जल्दी फ्रूट सब कुछ बहुत टेस्टी लगता है, फ्रेश। मैं छोटी छोटी चीज़ों की क्रश हूँ, तो मुझे छोटा छोटा बहुत पसंद आता है। तो अब हो गया हमारा फलूदा, फ्रीजर में रख के ठंडा होने के बाद एकदम क्रीमी आता है ये, देखिए। तो इसके लिए मैंने आज एक नया सा बर्तन उठा के इसमें कूलिंग करके, थोड़ा मेहनत है मगर बना के दूसरों को खिलाने में, बच्चों को खिलाने में, अपने परिवार के साथ खाने से बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए आज अनार लिया है मैंने, अनार को छील के, अनार के दाने फर्स्ट डाल लिया मैंने, और नेक्स्ट एप्पल, एप्पल को छील के भी, छील के उसमें छोटे छोटे क्यूब्स करके डाल लिया बस। और नेक्स्ट होगा, अगर आपके पास जेली हो तो भी जेली यूज़ कर सकते हैं। और नट्स में मैंने मुन्नू लिया है, यानी कि मुनक्खा, मुनक्खा, बादाम और अखरोट छोटा छोटा करके डाल लेंगे। और बादाम को मैंने इसे स्लाइस स्लाइस कर लिया। और मेरा फेवरेट डेयरी मिल्क चॉकलेट, सब कुछ छोटा छोटा ले आया था मैंने, और सब पे डेकोरेशन करने के लिए। और मेरा फेवरेट बिस्किट बॉर्न बिस्किट, इसमें ऊपर चीनी होता है, अंदर बहुत भी क्रीमी फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा रहता है। और ओरियो बिस्किट, ओरियो बिस्किट किसे पसंद नहीं है, सैंडविच बिस्किट है, दूध में डिप करके खाने बहुत अच्छा होता है। ओपन लिक इट एंड ईट इट। और ये है नबाती वेफर्स, चॉकलेट, सिर्फ और चॉकलेट ही यूज़ किया है, सब चॉकलेटी फ्लेवर्स हैं। एक क्रीमी कैंडी सेंटर में रख दिया।
आज मेरी पसंद से सब कुछ कर रही हूँ तो बहुत अच्छा था देखने में। मैंने ख्वाहिश था बहुत दिन से ऐसा एक फलूदा बनाऊँ कि बिल्कुल मेरे थॉट्स का था, बिल्कुल एक मेरी खेल मजाक से बहुत भी और शहद नेचुरल शहद। और एक ख्वाहिश थी कि आइसक्रीम भी रखूँ, तो आइसक्रीम भी ले आई छोटा डब्बा और भी वनीला, क्योंकि चॉकलेट बिस्किट के साथ सफ़ेद वनीला आइसक्रीम बहुत अच्छा दिखता है। तो जैम हनी चॉकलेट बिस्किट पूरा मेरा टेस्ट है, छोटे छोटे चीज़ मुझे बहुत पसंद आते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे डेकोरेशन के साथ बिल्कुल डिलीशियस लवली फलूदा इज रेडी सना स्कूल किचन का, और मेरी छोटी सी मेहनत है। और आपको भी पसंद आए आप भी ज़रूर ट्राई करना और दूसरों को भी खिलाना, सबके मुँह में पानी आ गया है और बहुत ही टेस्टी लगा, बहुत ही यम्मी भी था। मैं थोड़ा थोड़ा गार्निश कर लिया मैंने, और कप भी बहुत था, और ऐसे मैंने ओरियो बिस्किट का क्रश थोड़ा सा ऊपर डाल लिया बस, और कुछ नहीं इसमें, हमने कोई ऐसा ऐसे आर्टिफिशियल कलर, सब कुछ नेचुरल है। और होप यू आर लाइक इट, आई लव इट। और ऐसी नई रेसिपी के साथ फिर भी मिलूँगी, होप यू आर लाइक इट शहद। अगर आपके पास मैपल सिरप है तो भी आप यूज़ कर सकते हैं, और स्ट्रॉबेरी सिरप हो तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। होप यू आर लाइक इट, फिर अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे। अलविदा दोस्त, बाय।